बात कहते कहते उन्हें भी धोखा दे दिया। बदलती की राजनीति बदलने के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने भी अपना नारा बना लिया है, सबसे पहले परिवार और बाद में रिश्तेदार। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की जो तकलीफें उन पर जो गुजरी सब भुला दिया। प्रदेश के लोगों की जो तकलीफें उन पर जो गुजरी सब भुला दिया। पश्चिमी यूपी में कितना बड़ा पाप हुआ, पूरा देश इसका गवाह रहा। कैसे महान बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कैसे लोगों को अपना घर अपना कारोबार छोड़ना पड़ा, ये देश ने देखा। जब पश्चिमी यूपी चल रहा था, मासूम लोग मारे जा रहे थे, तब उसके पीड़ितों की आवाज को अनसुना करने वाला कौन था? कौन था जिसने गुनहगारों को बचाया? कौन था जिसने इंसाफ के लिए तब उत्तर प्रदेश सरकार से कितनी ही मिन्नतें की, लेकिन किसी ने सुना नहीं। भाई आपसे मेरी प्रार्थना है, आप शांत रहिए। आप लोग शांत रहेंगे क्या? देखिए आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। लेकिन अगर आप ऐसे ही हल्ला गुल्ला करते रहेंगे, मोदी मोदी करते रहेंगे, तो बाकी जो लाखों लोग हैं उन तक मेरी बात पहुंच नहीं पाएगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरी बात मानेंगे? मानेंगे? आपको तकलीफ है मैं जानता हूं, जगह कम पड़ गई है, लोग बहुत बड़ी तादाद में है। मैं 2014 में भी यहां आया था, ऐसी रैली तब भी नहीं देखी। तो मैं बोलना शुरू करूं, मैं बोलना शुरू करूं, आप इजाजत देंगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूं तो करूंगा रहूंगा। बोलना शुरू करो, ये जो ऊपर आए नीचे आ जाओ भाई, जो ऊपर है नीचे आ जाओ। देखिए कोई हादसा हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की। भाई और बहनों, ये लोग जमीन से इतना कट चुके हैं कि इन्हें पता भी नहीं कि इनके स्वार्थ को यहां के लोग पूरे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। साथियों, जिस उत्तर प्रदेश में चाय की दुकान पर सरकारें बनती हो, गिर जाती हो, उसे समझने में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भूल कर गए हैं।